हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ओमनी। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के संग एक सरप्राइज शेयर करने जा रही हूँ। वो सरप्राइज़ क्या है, कैसा रहेगा, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल शाम के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पे जा रही हूँ सरप्राइज़ के लिए शॉपिंग करने। आप मेरे घर की कंडीशन देख सकते हैं कि इस टाइम पर काफ़ी सारे बैग्स देख सकते हैं पैक हो गया है। एक बैग ये पैक हो रहा है, तो आखिर क्यों बैग पैक हो रहा है, कहाँ जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ के लिए थोड़ी सी शॉपिंग बाकी रह गई है, तो फाइनली मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ शाम को 7 बजे, क्योंकि इतने टाइम हो गया और उनको परसों निकलना है, टाइम बिल्कुल भी है नहीं है। तो अभी हम शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, तो फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ और बस मैं थोड़ा सा मेरा रह गया है वो कंप्लीट करके और फाइनली मैं निकलती हूँ। हैं और यहाँ पे शॉपिंग चल रही है मेरे हस्बैंड की, और जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हम मॉल में आ गए। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और सामने फिर भी है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो सबके सामने ब्लॉगिंग करने में बहुत अजीब लगता है। तो इस टाइम पे देख सकते हैं काफ़ी सारा कलेक्शन आया हुआ है। विंटर कलेक्शन ज़्यादा है नॉर्मल कलेक्शन से ज़्यादा, और जो कि हमें विंटर कलेक्शन की ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे विंटर का तो होना ज़रूरी है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो मॉल ऑलमोस्ट खाली सा हो गया था, लेकिन कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। हम लोग नहीं थे पर कलेक्शन था बहुत। मैंने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग कर ली है हस्बैंड के लिए, और बट मैंने अपने लिए नहीं की, क्योंकि मैं अभी नीचे वाले काउंटर पर जाऊँगी, वहाँ पर देखूँगी अपने लिए और वहाँ से कुछ कलेक्शन देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। वैसे जो मॉल में आई हूँ वो मैं यहाँ पर रिलायंस में आई हूँ, रिलायंस ट्रेंड्स बोलते हैं, यहाँ पर मैं आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। फिलहाल मैं सिटिंग एरिया में अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो ट्रायल रूम में कपड़े चेंज कर रहे हैं और ट्रायल कर रहे हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं बहुत फिलहाल रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिलहाल मॉल खाली हो गया है। फाइनली अब मैं अपनी बेटी के लिए और अपने लिए कुछ कलेक्शन देखने जा रही हूँ। वैसे मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मैं नीचे के डिपार्टमेंट में आ गई थी जहाँ पर गर्ल्स का और लेडीज़ का और किड्स का रहता है। तो वहाँ पे जाके मैं देखने आ गई थी कि कैसा कलेक्शन है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ट्रायल रूम में आ गई हूँ, मैंने कुछ कलेक्शन निकाला है, तो साइज़ को लेके मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मैं ट्रायल रूम में चेक करने आई हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर ली है घूमने के लिए, तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को ना कलर का मैं और इन सब चीज़ों में एक वाइट में शेड था और एक ये ऑफ वाइट था, दोनों ही शेड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन साइज़ दोनों के डिफरेंट थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्राई कर लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। फाइनली शॉपिंग करके हम घर वापस आ गए, और देख सकते हैं आपको कितना सारा हमने कलेक्शन लिया है, कपड़े हैं और कुछ इस तरीके से गिफ्ट्स हैं। मैं वापस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त रूम में हूँ, बहुत ही सारी कम से कम हम लोगों ने 12,000 रुपये के कपड़ों की शॉपिंग कर डाली है, जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड की है ज़्यादातर। उसमें मैंने तो सिर्फ एक ही टॉप लिया है जो कि वूलन स्वेटशर्ट है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी। बाकी के 10,000 मतलब 2,000 रुपये के तो ये गिफ्ट्स हैं कुछ, और 10,000 रुपये के ये सिर्फ इतने से कपड़े आए हैं, तो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या दिया है। आप ये देखो बिल्स, जो कि कुछ तरीके से मैं आपको दिखा दूँ तो एग्जैक्ट कितना है प्राइस, जो कि 10,000 के हैं। 10,000 के इसलिए क्योंकि इन्होंने जितने भी कपड़े ख़रीदे हैं सारे ब्रांडेड हैं। तो जिसमें से ये टी शर्ट है एक, जो कि नेटप्ले की है, और इसी तरीके से एक ये टी शर्ट है, और ये मेरी बेटी का स्वेटर है, और उसके बाद एक किलर की जीन्स है जो कि 3,000 रुपये की है। बाकी के सारे ही कपड़े इसी तरीके से सारे ब्रांडेड कपड़े हैं, तो सारे ही बहुत महंगे महंगे हैं। तो सरासी थैली में कपड़े आए हैं 10,000 रुपये के, और ये कपड़े हैं। तो फाइनली इतनी सारी शॉपिंग कर डाली है, और ये गिफ्ट्स भी मिले हैं। तो गिफ्ट्स में भी मैं आपको दिखा दूँ उस तरीके से, यहाँ पे ये हांडी सेट मिला है और ये कुछ कपड़े, और इसी तरीके से बहुत सारी हमने शॉपिंग की है। फाइनली शॉपिंग करने का टाइम अब इतना नहीं बचा हमारे पास कि हम इतनी शॉपिंग करें, लेकिन वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट शॉपिंग कंप्लीट सी ही हो गई है। बच्चों की शॉपिंग मैंने पहले कर ली थी, अपनी भी कर ली थी,
हस्बैंड की बची थी क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था। तो लेकिन मैंने अभी देखो बच्चों के लिए भी किया था, तो देखो ये कितना क्यूट सा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरीके से ये लिया और ये था, और मैंने ये अपने लिए स्वेट शर्ट ली जो कि मुझे अच्छी लगी थी काफ़ी, और क्योंकि ये ब्राइट कलर है और वाइट कलर हर किसी पर बहुत अच्छे से जाता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे शॉपिंग कर ली है। तो फाइनली सरप्राइज़ रिलीज करने का टाइम आ गया है, जो कि है मैं जा रही हूँ काफ़ी सारी जगह पर घूमने जो कि इंडिया में ही है फाइनली। तो आप बोल सकते हैं इंडिया टूर पे निकलने वाली हूँ, जो कि 15 से 20 दिन का मेरा टूर है और जो कि काफ़ी टाइम के लिए है, छोटा बच्चा भी है और विंटर का मौसम है। बहुत सारी सिटीज़ हैं जिसमें अंडमान निकोबार है, ऊटी है, मैसूर है, कूर्ग है और भी बैंगलोर है और भी बहुत सारी जगह हैं। तो चलिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा, मैं सारे ही ब्लॉग आप लोगों के संग शेयर करूंगी। तो फाइनली मैं आपको बताने वाली थी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, तो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। मैंने बालों में हेयर कलर भी कराया है, कैसा लग रहा है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छा हेयर कलर लगा मुझे। तो उसी की प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम से मैं बिज़ी चल रही थी। तो फाइनली शॉपिंग कम्प्लीट हो गई है, पैकिंग अभी बाकी है, तो पैकिंग करते टाइम भी मैं आप लोगों के संग ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा, आप भी मेरे साथ इंडिया का टूर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, ये ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद हम मिलते हैं, बाय।